दोस्तों, जैसा कि जानते हो, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाने के शौकीन हो तो आपके दिमाग में एक छोटा मोटा डाउट चलता ही रहता होगा। जैसे कि अगर आप एमेस्ट गार्डक पर वीडियो बनाते हो, मोज ऐप पर वीडियो बनाते हो, चिंगारी ऐप पर वीडियो बनाते हो, टिकी ऐप पर वीडियो बनाते हो, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हो, जो से ऐप पर वीडियो बनाते हो, लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट जरूर चलता रहता होगा कि हम ऐसा तो नहीं किसी गलत ऐप पर आ गए। क्या हमें चिंगारी ऐप ज़्यादा पैसा देता है, मोज ऐप ज़्यादा पैसा देता है, इंस्टाग्राम ज़्यादा पैसा देता है कि हमें एमेस्ट कार्ड पैसा देता है? तो इस चक्कर में हम लोग क्या काम करते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि सभी जगह इंस्टाग्राम हो जे पर मतलब वगैरह वगैरह जितनी भी जो शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड एप्लीकेशन है, हम लोग सभी पर अकाउंट बना लेते हैं ताकि हम लोगों को लगता है कि हम भाई सभी जगह से पैसा कमाएंगे। तो इस वीडियो में हम जो भी आपको जानकारी देने वाले हैं, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा ऐप आपको कितना पैसा देता है और किस तरीके से आपको पैसा मिलता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के साथ साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, क्योंकि नीचे रेड कलर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे। देखिए, आप पैसा कमाना चाहते हो शॉर्ट वीडियो बनाकर, जैसे अगर आप एमेस्ट गार्डक का इस्तेमाल तो करते हो, चिंगारी ऐप का इस्तेमाल करते हो, मोज ऐप का इस्तेमाल करते हो, तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपके लिए कौन सा ऐप बेहतर है। अब बेहतर आपको कैसे पता लगेगा, आपको कौन से ऐप पर वीडियो बनाना आपको अच्छा लगता है, सबसे पहले आपको यही चेक करना आपको कौन से ऐप पर वीडियो बनाना अच्छा लगता है। और दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हो या मोज ऐप पर वीडियो बनाते हो या एमेस्ट गार्ड पर वीडियो बनाते हो, दोस्तों अगर पैसा कमाने से रिलेटेड मैं बात करूँ तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले पैसा कमाने के लिए अपने आप को कुछ बदलना होगा। बदलना क्या होगा, बदलना तो यही होगा, मान के चलो आप अपना कंटेंट एक रियल कंटेंट बनाइए। आप भी कुछ जैसे मोज ऐप पर वीडियो बना रहे हो तो भाई साहब आप एक ही पे फोकस कीजिए, ज़्यादातर एमेस्ट कार्ड पर वीडियो बना रहे हो, इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक ही पे फोकस करिए। एक पे फोकस करोगे ना तो आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा चला जाएगा, और जैसे कि आप दिन में 7 वीडियो या 5 वीडियो अपलोड करते हो ना, तो ये सब झंझट आपका चला जाएगा। आपको ये टेंशन रहती है यार ये मोज ऐप पर डालूँ, एमेस्ट कार्ड पर डालूँ, चिंगारी ऐप पर डालूँ, यार कहाँ कहाँ डालूँ, तो आपका एक टेंशन बन जाती है, उससे आपका कंटेंट बिगड़ जाता है मेरे भाई। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो एक ही जगह पर वीडियो डालिए। अगर आप मोज ऐप को पकड़ लीजिए, एमेस्ट कार्डों को पकड़ लीजिए और इंस्टाग्राम को पकड़ लीजिए, जिस पर भी बनाओ भाई एक पर ही वीडियो बनाओ और अपना कुछ फेस वैल्यू बनाने की कोशिश करो और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करो भाई। अन्य लोगों की तरह अगर करोगे भाई, सभी की कॉपी करोगे, कॉपी करके वीडियो बनाओगे, तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। अब बात कर लेते हैं जितने ये शॉर्ट वीडियो हैं, तो ये पैसा भाई आपको तभी देते हैं जब आपकी वीडियोस पे अच्छे लाइक आते हैं, आपके अच्छे फॉलोवर्स बढ़ते हैं और आपकी फेमसी कुछ अच्छी बढ़ती है। तो अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाकर पैसा कमाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे यही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आप भाई एक चीज़ पे फोकस कीजिए, एक जगह भाई अपना कंटेंट अपलोड कीजिए। आईडी पर वीडियो बनाते रहिए, मोज पर बनाइए या मेस्ट कार्ड पर बनाओ या इंस्टाग्राम पर बनाओ, लेकिन उस पर भाई लगातार कंटिन्यू एक ही एप्लीकेशन पर काम करते रहो, लगातार भाई वीडियो डालते रहो जब तक आप फेमस ना हो जाओ। चाहे आपको एक साल लगे, चाहे 1.5 साल लगे, और कभी कभी भाई किस्मत की बात होती है, अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाती है तो 3 ही 4 वीडियो में आप वायरल हो जाते हो। उसके बाद में भाई सभी जितने भी ऐप्स होते हैं आपको भाई सैलरी के हिसाब से मिलने लगती है। जब ज्यादा आपका अकाउंट वेरीफाइड होता है तब आपको सैलरी भी फिक्स कर दी जाती है, क्योंकि वहां पे भाई आपको स्पॉन्सर कराते हैं और भाई रेफर प्रोग्राम द्वारा भी पैसा कमा सकते हो। जितने भी सारे ऐप हैं शॉर्ट वीडियो के लेकर, सब में भाई रेफर प्रोग्राम का सिस्टम है, आप जितने लोगों को डाउनलोड कराओगे तो उतना ही पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है जितने भी भाई ऐप हैं जो शॉर्ट वीडियो वाले, ये सारे ऐप भाई पैसा सभी बराबर देते हैं। पैसे की अभी छोड़ो, जब तक आप फेमस नहीं बनते हो तो आपके पास खुद लोग बड़े बड़े आएंगे, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां आपके पास आएंगी, सर मेरा प्रमोशन कर दीजिए, सर मेरा प्रमोशन कर दीजिए, तब अच्छा लगता है। अभी आपके 100, 150, 300, 400 फॉलोवर्स हुए नहीं, आप पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा कमाने से रिलेटेड भाई रेफर द्वारा ही इसमें सारे ऐप पर पैसा कमा सकते हो। इनमें भाई तभी आपको पैसा मिलेगा जब आपके अच्छे खासे लाइक आएंगे और अच्छे खासे फॉलोवर्स आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप सभी जगह कोई भी ऐप पर वीडियो बना सकते हो, लेकिन भाई एक जगह वीडियो बनाओ आपको पैसा मिलेगा मेरे भाई, लेकिन पैसा लेने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। और जितने भी भाई इवेंट्स आते रहते हैं इन सभी ऐप पर, आप सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए और वीडियो बनाइए भाई। बीच में कभी कभी आपको गिफ्ट भी मिल जाता है, लेकिन पैसे की बात करें तो आप पैसा ही कमाने पर फोकस करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पैसा थोड़ा बहुत, जब ज्यादा पैसा कमाना है आपको तो ज्यादा से ज्यादा आपको फेमस बनना पड़ेगा मेरे भाई। तो फेमस बनोगे तो बहुत ज्यादा पैसा ही कमाओगे। तो अब भाई मेरा कहने का मतलब यही है ना, तो आप एक ही ऐप पर वीडियो बनाते रहना और जितने भी आपको पैसा कमाने से रिलेटेड है, आपको लगता होगा कि ये ऐप ज्यादा पैसा देता है, चिंगारी ऐप ज्यादा देता है, मोज ऐप ज्यादा देता है, तो पैसा भाई कोई ज्यादा नहीं देता, पैसा हर जगह बराबर मिलता है। पैसा मिलता है तो आपके कंटेंट के ऊपर मिलता है, आपके वीडियोस के ऊपर मिलता है। तो यही थी कुछ छोटी वीडियो में जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में नई टॉपिक साथ। जय हिंद।